सो अज ईडी दफ्तर पेश होंगे आप सुप्रीमो ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आप सुप्रीमो को कथित शराब घोटाले मामले दे विच समन भेजे हुए सन। सो अज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल तो पुछगिछ करते हुए नजर आएगी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम। चीफ मिनिस्टर केजरीवाल की पेशी लैके ईडी दफ्तर के बाहर हालांकि सुरक्षा भी काफ़ी वाधा किया गया, अलर्ट भी जारी है। पहला अप्रैल महीने के सीबीआई पुछगिछ कर चुकी है इस पूरे मामले के हूँ एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट पुछगिछ करती हुई नजर आएगी। अच्छ सो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल तो पुछगिछ करेगी एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट की टीम। सो ईडी दफ्तर पेश हो गए अच्छ अरविंद केजरीवाल। सो देखना आएगा कि सवालों के जवाब मंगे जाते हैं, कि सवालों के जवाब दिए जाते हैं, इससे लगातार नजर बनिया रहनगिया। सो अज की वही अपडेट तुम्हें दस दिए कि ईडी ने आप सुप्रीमो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में पहला समन भेजे से उस पूरे मामले के हूँ अज पुछगिछ करती हुई नजर आएगी क्योंकि अज पेशी है दिल्ली चीफ मिनिस्टर की। सो ईडी द्वारा तमाम सवालों के जवाब लाए जाने ने तो हूँ देखना होगा कि अज पेश होंगे ने अरविंद केजरीवाल या नहीं। लेकिन इस तो पहला तुम्हें दस दिए कि समन भेजे हुए ने। सो पहला अप्रैल के महीने सीबीआई पूरे मामले के जांच पड़ताल जी पुछ पड़ताल है वह कर चुकी है तो हूँ एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट अपने पद्धर से जांच पड़ताल करती हुई नजर आएगी। सो सीएम केजरीवाल की पेशी लैके ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा के भी काफ़ी वादा किया गया, अलर्ट जारी है। केजरीवाल ने ईडी को जवाब दिया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित नोटिस है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और 4 राज्यों में उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, ऐसे में प्रचार में अवरोध उत्पन्न हो इसलिए ये नोटिस दी गई है। और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि ये नोटिस बीजेपी के इशारे पर दिया गया है और राजनीति से प्रेरित है और तत्काल ईडी अपना नोटिस वापस ले, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो 5 राज्यों में चुनाव है, चाहे वो तेलंगाना हो, मिजोरम हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, वहाँ पर पार्टी जो चुनाव मैदान में उतरी है, वहाँ पर जिस तरीके से प्रचार कर रही है, जिस तरीके से अपनी ताकत को झोंक रही है, उसे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, यानी चुनाव प्रभावित करने की कोशिश है ये नोटिस। और इसी बात को लेकर के उन्होंने अपना जवाब दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी की तरफ से क्या जवाब आता है, क्या उन्हें मोहलत दी जाती है और उन्हें इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद पूछताछ के लिए बुलाया जाता है या फिर उन्हें 10 दिन का मोहलत दी जाती है और उसके बाद उन्हें दूसरी नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब दिया और जिस तरीके से कहा कि जो ईडी का नोटिस है वो राजनीति से प्रेरित है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के इशारे पर यह नोटिस जारी किया गया, यह नोटिस गैर कानूनी है और ईडी तत्काल अपना नोटिस वापस ले, यह बड़ी खबर है। और इस वक्त हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि जो अटकलें लगाई जा रही थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो समन ईडी ने दिया है कि 2 नवंबर को सुबह 11 बजे उनके दफ्तर पहुंचकर जो कथित शराब घोटाला है उसमें पूछताछ में उनका सहयोग करें, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब जवाब दिया गया है और कहा गया है कि ये जो नोटिस है पूरी तरह से गैरकानूनी है और ये नोटिस तत्काल ईडी वापस ले, तो अब ये तस्वीर स्पष्ट हो गई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर पूछताछ में शामिल होने नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज उनका दौरा मध्य प्रदेश में लगा हुआ है, एक चुनावी दौरा है। तो ऐसे में अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में जो उनकी चुनावी सभा है उसमें वो शामिल हों। इस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये मुख्यमंत्री आवास है और आप बाहर देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई थी क्योंकि जब सीबीआई ने अप्रैल में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था तब वो लगभग 10 बजे अपने आवास से निकले थे। सबसे पहले वो राजघाट गए थे और राजघाट पर जाने के बाद वो वहाँ पर गांधी जी की समाधि पर उन्होंने नमन किया था और उसके बाद वहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद सीधे वो सीबीआई दफ्तर गए थे और उन्होंने प्रेस वार्ता करके कहा था कि हम सीबीआई के सभी सवालों का जवाब देंगे, हम पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने ईडी के समन पर ईडी को जवाब दिया है पत्र लिख करके और कहा कि जो नोटिस है वो तत्काल वापस लिया जाए क्योंकि ये जो नोटिस है वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और कहीं ना कहीं उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के कहने पर ये नोटिस भेजा गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बात को लेकर के सियासत भी तेज होगी क्योंकि बीजेपी बार बार
तुहानू दस दिए कि जिस हिसाब के नाल साडे सहयोगी लगातार जानकारी साझी कर रहे हैं इस पूरे मामले पर मौके पर मौजूद ने सो एक्सक्लूसिव जानकारी असं अपने दर्शकों तक पहुँचती कर रहे हैं कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इस पूरी कार्रवाई गैर कानूनी करा दिता। सो दस दिए कि सूत्रों के हवाले तो वड्डी खबर सामने आ रही है, जीडी दफ्तर पेश नहीं होंगे आप सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस वक्त की वड्डी अपडेट, अरविंद केजरीवाल ने ईडी नूं जवाब दिता है, ईडी का नोटिस गैर कानूनी करार दिता गया है, राजनीति तो प्रेरित करार दिता गया। उन्होंने कहा कि मैनू चोण प्रचार करन तो रोकन दे लई ये नोटिस भेजा गया। सो दस दिए कि ईडी दफ्तर पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। इस वक्त की वड्डी अपडेट तुहानू दस दिए कि अज ईडी दफ्तर पेश नहीं होंगे तो ईडी का नोटिस गैर कानूनी राजनीतिक तो प्रेरित करार दिता अरविंद केजरीवाल होर ने। उन्होंने कहा कि मैंने चोन प्रचार करन तो रोकन दे लई ईडी द्वारा यह नोटिस भेजा गया। सो सूत्रों के हवाले तो वड्डी अपडेट तुहाडे नाल सांझी की जा रही है कि अज ईडी दफ्तर पेश नहीं होंगे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। सो दस दिए कि समन भेजा गया सी, लेकिन हुण समन का जवाब भी दिता गया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होर द्वारा। जो सोर्सिज के हवाले जानकारी मिल रही है असं लगातार अपने दर्शकों तक साझी कर रहे हैं कि ईडी का नोटिस ईडी को जवाब दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और कहा कि ये बीजेपी के इशारे पर नोटिस भेजा गया है और राजनीति से प्रेरित है। जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव है और मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है, अपना प्रचार प्रसार कर रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चुनावी प्रचार है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ईडी अपना नोटिस वापस ले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजकुमार आनंद के यहाँ जिस तरीके से ईडी पहुंची है, जिस तरीके से छापेमारी की कार्रवाई अभी भी चल रही है और माना जा रहा है कि अभी कई घंटे ईडी की टीम राजकुमार आनंद के सरकारी आवास पर रुकेगी और उनसे पूछताछ का जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि राजकुमार आनंद के घर से ईडी को क्या कुछ साक्ष्य के तौर पर हाथ लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोप राजकुमार आनंद पर लगाए गए हैं, इससे पहले उनके यहां ना तो कोई नोटिस भेजा गया ना ही कोई समन भेजा गया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से संजय सिंह के आवास पर ईडी की टीम पहुंची थी और लगभग 9 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनके परिवार ने भी यह आरोप लगाया था कि संजय सिंह को इससे पहले ना तो कोई कथित शराब घोटाले में नोटिस दी गई, ना कोई जानकारी दी गई, ना कोई समन आया और सीधे ईडी की टीम पहुंची और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि राजकुमार आनंद के घर जब ईडी की टीम पहुंची है, पूछताछ कर रही है, तो क्या कुछ साक्ष्य हाथ लग। इस दे नाल ही तुहानू अपडेट दे दिए कि ईडी द्वारा रेड निरंतर चल रही है दिल्ली के मिनिस्टर राजकुमार आनंद के घर, तो उत्थे जिहड़ी है ईडी द्वारा तमाम दस्तावेज खंगालन की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की अपडेट इस पूरे मामले दे, क्योंकि जिस हिसाब के नाल पहला ईडी द्वारा समन भेजा गया अरविंद केजरीवाल नूं, तां उस तो बाद हुण मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी ने रेड शुरू कर दिती है, ईडी द्वारा रेड की जा रही है। सो दस दिए कि इस तो पहला संजय सिंह के घर भी अचनचेत इस हिसाब के नाल जिहड़ी है रेड की गई, तो अपडेट यह है कि ईडी रेड कर रही है दिल्ली मिनिस्टर राजकुमार आनंद के घर।